देखिए अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद, कि मदरसे बंद। तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मंगलवार को पूर्व सीएम कमलनाथ और 15 महीने की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मंत्री उषा ठाकुर ने पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरते हुए कहा कि जिस तरह से कमलनाथ की 15 माह की सरकार में मंदिरों की आमदनी पर 10% टैक्स लगाया था, वो एक तरह से जजिया कर के समान था, जबकि मंदिरों में चढ़ावे के जरिए मिलने वाली राशि का मंदिर के विकास सहित अन्य धार्मिक कार्यों में उपयोग होता है, लेकिन सरकारी खजाने को भरने के लिए कमलनाथ सरकार ने एक तरह से जजिया कर लगाकर धार्मिक अखंडता को खंड खंड करने का प्रयास किया था। वहीं धर्मांतरण मामले में मंत्री उषा ठाकुर ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने ही आदिवासियों से कहा था कि वो खुद को हिंदू लिखना छोड़ दें, जबकि वो अनादिकाल से हिंदू है, ऐसे में उनसे ये कहने का क्या तुक है। उन्होंने सीधे कहा कि कमलनाथ देश की एकता अखंडता को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, मंत्री उषा ठाकुर ने एक और बड़ी बात इंदौर में कही। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड आर्थिक रूप से संपन्न है, बावजूद इसके कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में इमाम और मौलवियों को 5,000 तक का वेतन दिया, जो कि अन्य वर्गों के अधिकारों को छीने जाने जैसा है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सीएए का विरोध करती रही, जबकि केंद्र सरकार ये कानून उन लोगों के लिए लाई जो कि पाकिस्तान में सताए जा रहे थे। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ की धार्मिकता को लेकर उषा ठाकुर ने कहा कि वो दिखावा है, उन्हें ये बात समझ में आ गई है। कमलनाथ बीजेपी की तर्ज पर धार्मिक दिखाई देना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ भी करे जनता सब समझ चुकी है और 3 नवंबर को जनता उनको आईना भी दिखा देगी। इसके अलावा मंत्री इमरती देवी पर दिए गए आइटम वाले बयान पर मंत्री उषा ठाकुर ने कमलनाथ को घेरते हुए कहा कि किसी भी महिला के लिए अपमानित शब्दों का प्रयोग अनुचित है और वे इसकी कड़ी भर्त्सना करती है। वहीं सांवेर के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास भावना के साथ सांवेर में विकास कार्य हुए हैं और वो सब बीजेपी शासन में हुए थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के चलते सांवेर के विकास कामों में धीमी गति हुई है। मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है, पर मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ। किसी भी महिला को कोई किसी को अधिकार नहीं है कि वो उसको किसी भी प्रकार से अपमानित करे। किसी भी स्त्री का अपमान करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। उन सब 15 महीने की कमलनाथ सरकार, जिसकी नींव झूठ के आधार पर ही गढ़ी गई थी, कोई वादा वो पूरा कर नहीं पाए और एकता अखंडता को खंड खंड कर देने की रणनीति उन्होंने बना डाली। सबसे पहले यदि हम देखें तो उन्होंने कहा कि जो मंदिरों की आमदनी है उस पर 10% टैक्स हम लगाएंगे। तो मैं तो ऐसा महसूस करती हूँ, शायद आप भी सहमत होंगे इस बात से, कि यह 10% टैक्स जजिया कर से कोई कम नहीं है। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बात कही कि आदिवासियों से कोई हिंदू नहीं लिखवाएगा, तो इनकी मंशा पूछी जानी चाहिए कि भाई जो अनादिकाल से हिंदू है उसको ये कहने का क्या तुक है? आप क्या चाहते हैं? आप क्यों देश की एकता अखंडता, यहाँ की सामाजिक समरसता, यहाँ के ताने बाने को आप छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं? इमाम को 5,000 और मोइज़ीन को 4,500 रुपये प्रतिमा देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे मजबूत आर्थिक दृष्टि से संगठन है। वहाँ कोई व्यवस्था करनी है तो उन्हीं के माध्यम से की जा सकती है। सरकार को इस पे अतिरिक्त करना, ये तो अन्य वर्गों के हक को छीनने वाली बात हो गई। CAA जैसा मुद्दा भी आप देखते हैं किस प्रकार से, वो मानवता का, संवेदनशीलता का मुद्दा था, उसको भी कैसे भ्रमित करके इस देश के वातावरण को खराब करने की कोशिश की। वो पाकिस्तान जहाँ 14% से हिंदू 1% हो गया।